नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। तुम्हारे वहां से लौटने के बाद जिंदगी में कैसा मोड़ आया के? हाँ, मैंने मालूम किया था तुम्हारे डैडी का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया और फिर तुम्हारी शादी हो गई। शादी मुबारक हो श्याम। राधा, मैं तुमसे कोई शिकायत तो नहीं कर रही हूं। शिकायतों के जवाब तो आदमी दे लेता है राधा, लेकिन जहां शिकायतें ना हो वहां बिना पूछे सब कुछ बताना पड़ता है। मैं उसी वक्त तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था। मैं चंडीगढ़ भी गया तुमसे मिलने, तुम्हें बताने, लेकिन वहां जाकर पता चला कि तुम वो घर और चंडीगढ़ छोड़कर कहीं चली गई हो। विपिनती मेरी कोख में थी श्याम, उसे जन्म लेना था। मैंने इंडियन एयरलाइंस में भी पता किया, मालूम हुआ तुमने रिजाइन कर दिया है। वहां भी तुम्हारा कोई अगला पता नहीं मिला। मिलता भी कैसे, मुझे खुद अपना अगला पता मालूम नहीं था। टॉले मेरे पेट में थी, मेरे लिए रिजाइन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था श्याम। खैर मेरी छोड़ो, आपने सुना तुम कैसे हो, तुम्हारी पत्नी कैसी है? सच बोलना आसान तो नहीं है, लेकिन राधा मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। इतना बड़ा सच तुम ही बोल सकते हो श्याम, यही तुम्हारी महानता है। लेकिन मेरे दिल पर सबसे बड़ा बोझ यही है राधा, कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी का रूप बिगड़ गया, तुम्हारी खुशियां छीन गई। नहीं श्याम, मैं बहुत खुश हूं डॉली के साथ, मैं बेहद खुश हूं। फिर भी राधा, मैं तुम्हारे लिए, डॉली के लिए सब कुछ कर सकता हूं। सबसे बड़ा दान तो तुमने मुझे दे दिया है श्याम, अब डॉली ही मेरी जिंदगी की सबसे कीमती धरोहर है। लेकिन राधा श्याम, जो पेड़ पीछे छूट गए हैं ना
उनकी छाए के लिए कोई लौटा नहीं करता। तुम चिंता मत करो श्याम, मेरी जिंदगी में बहुत घनी छाया है, ज्वाला की छाया, वो छाया भी तो तुम्हें ने दी है। Excuse me. Yes. देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं कुछ ऐसी औरतों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर रही हूँ जिन्हें हालात, समाज और इस दुनिया ने सारे दुख सहने पर मजबूर कर दिया है। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी बहुत कुछ। मुझे पता चला कि आपने भी अपनी जिंदगी में अकेले बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष? कैसा संघर्ष? यह है कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में था और वो कहीं चला गया, और आप दोनों माँ बेटी अब अकेली रहती हैं। तो इसमें बताने को क्या है? जिंदगी के बहुत से रूप होते हैं, और देखिए मैं अखबारों और जर्नलिस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मुझे माफ कीजिए। सुनिए राधा जी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, आपकी बातें कहीं नहीं छपेंगी। आखिर मैं भी औरत हूँ, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ कि जब औरत की जिंदगी में ट्रेजेडी होती है तो कसूरवार मर्द है या औरत, समाज है या हालात या कुछ और। अच्छा चलिए पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? यह कि आपकी जिंदगी में जो इंसान आया वो कौन था, और क्या वजह है आज वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं है? वो एक छोटी सी कहानी है, आप आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। उसके बाद मैं चंडीगढ़ छोड़कर श्रीनगर आ गई। वहाँ एक ट्रैवलिंग एजेंसी में मुझे नौकरी मिल गई, वहीं डॉली पैदा हुई। उसके बाद बस यहाँ आ गई। मुझे शाम से कोई शिकायत नहीं है, मैं डॉली के साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरे भीतर की औरत जाग पड़ी है। मुझे तुम जैसे कमजोर औरत पर गुस्सा आ रहा है। तुम जैसी औरतें मर्दों को खुले खिलवाड़ का मौका देती है, बिना शादी के उनकी हवस का शिकार बनती है और उसे प्यार समझती है। प्यार का हर पल समान होता है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद में, उसे हवस का गंदा नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन बिना शादी का प्यार कलंक बन जाता है। तुम जैसी कमजोर औरतें उसे बर्दाश्त करती है। जिस मर्द ने तुम्हें उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां जीवन में सारे अंधेरे हैं, तो उसे मर्द से रोशनी का हक क्यों नहीं मांगती? क्यों अंधेरों में गुमनाम जिंदगी गुजारना चाहती हो? जाओ और उससे सारे अधिकार और हक मांगो। अपने बच्चे के लिए बाप का नाम मांगो, अपने लिए मां का सिंदूर मांगो। मैं जानती हूं तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हारी ये कहानी सारे अखबारों में छपवाऊंगी। नहीं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी।